हर खबर दिनभर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कर्ज के चलते खुदकुशी से जुड़ा मामला सामने आया है, आशंका जताई जा रही है। अभी तालाब में दरअसल एक युवक का शव मिला है, जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक महिला समेत तीन लोग हिरासत में लिए गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक जितेंद्र दुबे सैदा का रहने वाला था, पड़ताल की जा रही है। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा नजर आता है कि मामला कर्ज के चलते खुदकुशी से जुड़ा है। और अगली खबर भी बिलासपुर से, बिना परमिशन मिलने से मंत्री नाराज हो गए हैं। बिना सक्षम अधिकारी का परमिशन लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से एक पटवारी मिलने पहुंच गया, इस बात से वो नाराज हो गए। कलेक्टर को उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री से मिलने के लिए पटवारी आलोक तिवारी पहुंचा था। कलेक्टर ने पटवारी को नोटिस जारी किया है, 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। आलोक तिवारी इस पटवारी का नाम है, इसने परमिशन नहीं ली और मंत्री से मिलने चला गया। खबर रायपुर से, जहां ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम बदली गई है, दोनों जगहों पर नई पदस्थापना हुई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी में नई टीम भेजी गई है। दो आईपीएस अफसरों को नई पदस्थापना मिली है। पुलिस सेवा के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। एक दर्जन पुलिस निरीक्षकों को भी नई पदस्थापना दी गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों में नई टीम बनाई गई है। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में राम लला दर्शन योजना की शुरुआत हो गई है। पहला राज्य है जिसने राम लला दर्शन योजना शुरू की है। सीएम विष्णुदेव साय ने आज आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। 850 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए इस ट्रेन के जरिए रवाना हुए हैं। वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन से इन्हें रवाना किया गया है। राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छत्तीसगढ़ में रामलला के दर्शन के लिए सरकार योजना चला रही है। यहां से लोगों को ट्रेन के जरिए अयोध्या भेजा जा रहा है। सरकारी खर्च पर रामलला दर्शन योजना की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। सरकार की इस योजना पर कांग्रेस तंज कस रही है। रामलला के दर्शन के लिए रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। 850 राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि बिलासपुर और अंबिकापुर से भी ट्रेन रवाना होंगी। साथ ही सीएम ने कहा कि वो मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। इधर रामलला दर्शन योजना पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इस तरह का प्रोपोगेंडा अपना रही है ताकि लोग दर्शन करने जाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमने शुरू से कहते आ रहे हैं कि आस्था अपनी जगह पे है और दर्शन अपनी जगह पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को
भगवान राम के नाम से एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो लोकसभा चुनाव है और चुनाव दर चुनाव इस चुनाव में भी राम पर सियासत हावी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी लोगों को रामलला के दर्शन करा रही है। अब जनता किसका साथ देगी ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रायपुर में बीजेपी उम्मीदवारों की बैठक हुई। सभी 11 उम्मीदवार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बैठक में दिग्गज नेताओं ने उन्हें जीत का मंत्र दिया। छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, सह प्रभारी नितिन नवीन ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। आचार संहिता से पहले बीजेपी की पूरी टीम तैयार हो चुकी होगी। कांग्रेस नेताओं के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि 5 साल में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। बैठक चली और प्रत्याशी भी इसमें शामिल हुए। हमारे बीच उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी हैं, हम बात करेंगे। सर, किस तरह से टास्क दिया गया है पूरी बैठक में? देखिए, लोकसभा के हमारे सभी छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और अलग अलग लोकसभा में अलग अलग समीकरण रहते हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। अलग अलग क्लस्टरों की भी बैठक हुई है, मंत्रियों की भी बैठक ली गई है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सब लोग मिलकर हम काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के 11 सीट को जीतेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार हुआ। 7 तारीख को हमारे महतारी बंधन योजना के बहनों को जो प्रत्येक माह 1,000 साल के 12,000 उसका भी प्रारंभ होगा और 12 तारीख को हमारे किसानों को इस साल का जो अंतर राशि है 917 रुपया उसका भी भुगतान होगा। कोरबा को आप कितना चुनौती मानते हैं? वहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को मौका मिला है। माननीय सरोज पांडे जी हमारे कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और वहाँ से हम एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोरबा से एक तरफा चुनाव हम लोग सब मिलकर जीतेंगे। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि 11 के 11 सीट में जीत का दावा बीजेपी है वो कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर जबलपुर से मानहानि के मामले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को राहत मिली है। एमपी एमएलए भोपाल कोर्ट में ने मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। अजय सिंह राहुल ने प्रभात झा पर 10 करोड़ की मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने नहीं माना कि आरोप लगाने से मानहानि हुई। 2012 में सीधी में रैली के दौरान प्रभात झा ने अजय सिंह राहुल पर लगाए थे आरोप, आदिवासियों की जमीन कब्जा करने के आरोप लगाए थे। अब इस मामले को लेकर अजय सिंह राहुल ने 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज करवाया। अब कोर्ट से राहत मिली है प्रभात झा को। रायपुर में बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत की है। बीजेपी की बैठक में सभी 11 उम्मीदवारों ने 11 उम्मीदवार जो थे मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर लेकर वो पहुंचे। हाँ, इस अभी हमने माननीय मोदी जी जो 140 करोड़ देशवासियों को मेरा परिवार कहे हैं वो पूरे देश में जन जन के मन में बस गया है और मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और उसी भाव से मैं देश के प्रथम सेवक होने के नाते देश की सेवा कर रहा हूँ। किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो इस भाव के साथ एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। कांग्रेस में अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही घमासान जरूर है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो बेटे के लिए टिकट मांगने दिल्ली तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मच गया है। कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे बेटे के लिए टिकट की मांग करने दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ बस्तर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। दीपक बैज बस्तर से सांसद हैं। इस बार दीपक बैज के साथ ही कवासी लखमा और हरीश लखमा का नाम लोकसभा टिकट के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कवासी लखमा और समर्थकों की इच्छा है कि टिकट हरीश को ही मिले। इधर बस्तर में कांग्रेस में टिकट के लिए मची खींचतान ने बीजेपी को मौका दे दिया।
और विधायक रेणुका सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि लखमा और दीपक बैज की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा। पहले भी भूपेश बघेल और सिंहदेव की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएस बाबा के बीच में कुर्सी को लेकर लड़ाई चली और इस तरह अब सरगुजा से अलग हटकर बस्तर में कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच में चल रही है। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए, एक युवा नेता होते हुए उस क्षेत्र की जनता ने उनको हरा दिया, बीजेपी को जिताया, तो आप समझ सकते हैं। और कवासी लखमा उन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत पुराना है, इसका हमें बस्तर में बहुत लाभ होगा। एक तरफ बीजेपी ने जहां छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अब भी लिस्ट पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रेणुका सिंह के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। रेणुका छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता हैं, दौड़ में पीछे रह गई हैं। उनसे हमारी सहानुभूति है, वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। ये तमाम बातें कही हैं दीपक बैज ने। रेणुका सिंह जी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में वरिष्ठ नेता हैं, दौड़ में पीछे रह गई, उनके ऊपर सहानुभूति हमारी, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। बिलासपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरबा लोकसभा में सरोज पांडे के सामने जयसिंह अग्रवाल और ज्योत्सना महंत कहीं नहीं टिकते हैं। सरोज पांडे एक तरफा लोकसभा चुनाव जीतेंगी। जयसिंह अग्रवाल की पहचान केवल एक विधानसभा तक है, जबकि सरोज पांडे की पहचान पूरे देश में राष्ट्रीय नेता की है। लखनलाल देवांगन राहुल गांधी के दौरे पर भी तंज कसते हुए बोले कि राहुल गांधी ने जहां भी दौरा किया वहां बंटाधार हो जाता है। देवांगन ने पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट लाने का दावा किया है। जहां भी जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार होता है और इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट भी पाने वाला लोकसभा में नहीं है। पूरा सफाया होने वाला है। अब पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 सीट से ऊपर बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। खबर अंबिकापुर से, जहां एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस में इस मामले की शिकायत पीड़िता ने की है। 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। छात्रा से गैंगरेप का मामला, अंबिकापुर की यह घटना। पीड़ित ने इस बात की शिकायत थाने में की और फिर पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी। श्रवण, पूरी घटना विस्तार से। देखिए, देरमा थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये जो नाबालिग छात्रा है वो छात्रावास में पढ़ती है और छुट्टी होने पर घर गई थी और घर में जब ये थी तब इसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है और इस मामले में देरमा पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो छात्रा थी वो घर गई थी, इसी समय जो चारों जो आरोपी हैं वो रास्ते में रोक करके इसके साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी है। हालांकि पुलिस गिरफ्तार ली है और 4 आरोपी को जेल भेज दी है। धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में बीजेपी उम्मीदवारों की बैठक हुई, सभी 11 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। बैठक में दिग्गज नेताओं ने जीत का मंत्र दिया। छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, उन्होंने बैठक के बाद बताया कि आचार संहिता से पहले बीजेपी की पूरी टीम तैयार हो चुकी होगी। कांग्रेस नेताओं के चुनाव लड़ने पर कहा कि 5 साल में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। तो एक बार फिर यह खबर महत्वपूर्ण, हम आपको बता दें, नवीन जी है मैराथन बैठक करके उधर रहे हैं। नितिन जी, क्या खास रहा आज की बैठकों में? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की, सोशल मीडिया
का क्या प्लान होगा, मीडिया की क्या प्लान होगी, उन पर चर्चा किया। साथ में लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की बैठक की और कहीं ना कहीं लोकसभा प्रभारी के संयोजक की बैठक में पूरी रणनीति हर लोकसभा स्तर पर क्या होनी चाहिए पार्टी की उससे, और जो कार्यक्रम हमने दिए हैं उन कार्यक्रमों को किस प्रकार से हम नीचे ले जा सकते हैं उसकी रणनीति बनी। और साथ ही साथ इसके बाद प्रत्याशी और हमारे जो मंत्रीगण हैं और लोकसभा के अपने प्रभारी और संयोजक हैं इनकी भी एक बैठक हुई, जिन बैठक में कि किस प्रकार से पार्टी के कार्यक्रम हैं और किस प्रकार से गतिविधि हम करने वाले हैं, जहां ये हर बूथ और मंडल का हमारा गतिविधि में आ जाए। हमारे सभी कार्यालय खुल चुके हैं लोकसभा स्तर के, सभी विधानसभा स्तर में 70 विधानसभा के कार्यालय खुल चुके हैं, सभी जब प्रबंधन कमेटी जो बनती है हमारे चुनाव के संचालन के लिए वो बन चुकी है। अब इन प्रबंधन समिति और संचालन समितियों का को एक्टिवेट करके इनको कार्यक्रमों में लगाना, आने वाले एक हफ्ते में कई बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से हैं अलग अलग तरह के, तो उन कार्यक्रमों में किस प्रकार से जन भागीदारी भी हो और हमारे प्रत्याशी और बाकी लोग भी उसमें सहभागी बने, इसकी पूरी योजना को बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि 13 या 14 जब भी चुनाव की घोषणा होती है या 15 तक जब भी चुनाव की घोषणा हो उसके पूर्व हमारी सारे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता और हमारी नेता पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं इस चुनाव के समर में उतरने के लिए। विधानसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि अपने बड़े नेताओं को उतारे यहाँ पर, हालांकि ऐसा खबर है कोई उतरने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि उनके सबसे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष, उनको तो हमारे मंडल अध्यक्ष ने चुनाव हराया, तो हिम्मत कहाँ से जुटाएंगे। जिन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया, क्या वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ पाएंगे। जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, क्या वो जनता के बीच में जा पाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी 10 साल के कार्यकाल में एक भी दाग नहीं लगा, हमारे एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस भी नहीं लगा पाई। यही कारण है कि हम आज भी जनता के बीच में जाकर आराम से अपनी बात रख सकते हैं कि हमने क्या किया। ये लोगों ने 5 साल में इतना लूट मचाया, न कार्यकर्ता को पूछा न जनता को पूछा, तो ना ये कार्यकर्ता के पास जा सकते हैं न जनता के पास जा सकते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कहाँ से आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी चुनाव में उतरने की चर्चा है, प्रयास करना चाहिए भूपेश जी को, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि 5 साल के क्या कारनामे हुए जिसके कारण जनता ने उनको सजा दिया है। तो नितिन नवीन थे और हमारे साथ, और बैठक हुई है, तैयारियां पूरी हो चुकी है उनका मानना, और उनका मानना है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो उनको जवाब देना होगा कि पिछले 5 साल उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी सरकार चली गई। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। खबर दुर्ग से, जहां ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भिलाई के छावनी चौक की घटना है। आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। लाखों का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। डिंडौरी में सीबीआई की दबिश का अपडेट आपको बता दें, बैंक मैनेजर की पत्नी के सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। आरोपी बैंक मैनेजर राहुल राजपूत की पत्नी के सरकारी आवास पर टीम पहुंची हुई थी और दस्तावेजों को खंगाला गया है। 5 घंटे से लगातार अभी भी ये कार्रवाई चल रही है, 5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। समनापुर वन परिक्षेत्र में अधिकारी है आरोपी बैंक मैनेजर राहुल राजपूत की पत्नी पारुल सिंह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण संरक्षण मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर फटकार लगाई। दरअसल हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने एफिडेविट पेश किया, शपथ पत्र पेश किया। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल की ज्वाइंट डायरेक्टर ने ये एफिडेविट दी। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के दौरान मांगी गई जानकारी न दे पाने और एक बार फिर पेश किए गए एफिडेविट में खामियां मिलने पर कहा कि आपके तीरंदाज अफसरों की बैठक नहीं चल रही है, यह हाई कोर्ट है, जो जानकारी न होने पर भी बिना फुल स्टॉप के बोली जा रही हो।
है वो आपको आपके अधिकारी ने दिया और आपने यहाँ लाके पेश कर दिया और उसे पढ़ दिया, आपने उसको स्वयं नहीं पढ़ा और आप अपने डायरी के आधार पर हम न्यायालय में अपना तर्क दे रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये कोई तीरंदाज अधिकारियों की आपके बैठक नहीं चल रही है, हाईकोर्ट चल रहा है जहाँ कागजों के आधार पर बात होती है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप जो जनता का पैसा, जब 596 करोड़ की ट्रंक लाइन में बात आई तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हम जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।